हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम बात कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो हमने क्या क्या सीखा है, देखिए। फर्स्ट ऑर्डर क्या था? फर्स्ट ऑर्डर जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, उसमें हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, वो क्या हैं, चार तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन हैं डिफरेंट टाइप की, और उनको हमने सॉल्व करना सीखा। पहली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी आपके पास, वो क्या थी? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड सीखा आपने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड सीखा आपने, जो कि बहुत ही सिंपल जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं आपके पास, अगर जैसे कि क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई ओवर डी एक्स, एफ एक्स और फाई वाई की फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है एफ वाई ओवर फाई एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप क्या करते हैं, एक्स वाले वेरिएबल्स को एक साइड ले जाते हैं, वाई वालों को एक साइड ले जाते हैं, और उनको सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो पहला मेथड हमने ये सीखा, और इसके बाद हमने दूसरा मेथड सीखा था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सीखा था? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या था, अगर आपकी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स, अगर क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई और फाई एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में है, ठीक, यानी कि ऊपर भी एक एक्स वाई का फंक्शन है और नीचे भी एक्स वाई का फंक्शन है, जहाँ पर ये दोनों क्या हैं, सेम डिग्री के हैं, ठीक है, सेम डिग्री के हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते थे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे, और इसमें वाई बराबर वी एक्स पुट करते थे, और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर हम पुट करते थे वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। और ये दोनों चीज़ें क्या करते थे, इसमें हम रखते थे डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर, ये रखते थे वी प्लस एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स, और वाई की जगह पर जो ये इक्वेशन आती है यहाँ पर, एफ का फंक्शन और फाई के फंक्शन में, वाई की जगह पर वी एक्स रखते थे, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे। तो फिर बाद में ये भी एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती थी। इसके अलावा हमने एक और मेथड पढ़ा था, ठीक है, हमने एक और मेथड पढ़ा था जो था आपका क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या थी, अगर आपकी दी हुई इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है या फिर कोई कॉन्स्टेंट है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, ठीक है, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, आपके फंक्शन ऑफ एक्स हो या फिर कोई कांस्टेंट हो। तो उस केस में इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम क्या कहते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते थे। और इसका जो सॉल्यूशन होता था, उसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे पहले, जो कि होता था अपना क्या, e की पावर p dx से निकालते थे, और उसको रख देते थे कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स प्लस सी, ये अपना क्या हो जाता था, सोल्यूशन होता था। इसके बाद जो हमने लास्ट मेथड पढ़ा था, वो मेथड क्या था अपना, मैं इधर लिख रहा हूँ, समझ लीजिए, लास्ट चौथा मेथड जो हमने पढ़ा था वो था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपको दी हुई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में, जहाँ पर क्या है, आपका एम जो है, एम भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और वाई जो आपका एन है वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो इस कंडीशन में मैंने बताया था कि आप क्या निकालते हैं, चेक करते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट है या नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, आप निकालते हैं क्या, डेल एम ओवर डेल एक्स, ठीक है, सॉरी, डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, अगर ये दोनों वैल्यू क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तो हम कहते हैं जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपकी दी हुई इक्वेशन, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन हम लिखते थे, सॉल्यूशन एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन, ठीक है,
टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी एक्स सॉरी इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, यानी कि एन के इस एन के वो टर्म्स लेते थे हम जिनमें एक्स ना आ रहा हो, सिर्फ वाई आ रहा हो या तो कोई कांस्टेंट आ रहा हो, तो ऐसे टर्म लेते थे और हम इसका सोल्यूशन लिख देते थे। तो ये चार मेथड हमने पढ़े थे, ठीक है। और इससे इसके पीछे क्या है, इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं उनमें सेपरेट वीडियोस है एक एक टॉपिक के ऊपर, और उसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल भी हैं जिससे आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक हो गया शॉर्ट रिव्यू हमने क्या क्या पढ़ा है, और इनके हमने क्या करे थे, इन्हीं सारे मेथड्स के लगभग हमने रिड्यूसिबल मेथड भी पढ़े थे, यानी कि कुछ केसेस में हमें लगता नहीं है कि जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इन मेथड से सॉल्व होंगी, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, होमोजीनियस मेथड से, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उन इक्वेशंस को चेंज कर सकते हैं किसमें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, होमोजीनियस मेथड या फिर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो अभी तक तो ये बात हो गई, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इस बार ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट नहीं होगा, ऑर्डर क्या होगा, हायर ऑर्डर। अगर ऑर्डर क्या हो, हायर हो, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे सॉल्व होगी। अभी तक आप देखिए कि जितनी भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस करी उन सब में क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं थी, यानी कि उसकी जो डिग्री थी वो भी क्या थी, वन थी। लेकिन अब क्या है, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लेरॉट इक्वेशन, उसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि जो कि आता है आपके पेपर में, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, तो देखिए अगर आपकी हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उस केस में आप क्या रखते हैं, dy ओवर dx को p ले लेते हैं, p कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको आप dy ओवर dx नहीं लिखा दिखेगा आपको, आपको p लिखा हुआ दिखेगा। तो क्या है, पहला जो इसमें टॉपिक है सबसे मेन वही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो है क्लेरॉट इक्वेशन, जो कि क्लेरॉट इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन ऑर्डर तो फर्स्ट होता है लेकिन डिग्री उसकी क्या होती है, सॉरी हायर डिग्री क्या होती है उसकी, हायर होती है, डिग्री वन नहीं होती है। तो क्या होगा, देखिए क्या अपना क्लेरॉट इक्वेशन, ठीक है, क्लेरॉट इक्वेशन, अगर आपकी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस y फंक्शन ऑफ p इस फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। अगर आपकी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, p क्यों लिखा है, क्योंकि हायर डिग्री की है, ठीक है, इसलिए हमने इसको p के फॉर्म में लिखा है। तो क्या है, अगर आपकी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वो क्या कहलाती है, क्लेरॉट इक्वेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, क्लेरॉट्स इक्वेशन कहलाती है। अब इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऑब्वियस बात है इसके कोई सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं देखते हैं। तो देखिए इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसको क्या करा मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया, जो गिवन मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको क्या करा मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, क्या करा मैंने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, ये बनी डी वाई ओवर डी एक्स। अब इन दोनों में चैन रूल लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये डी वाई, इसकी वैल्यू क्या थी, डी वाई ओवर डी एक्स थी। तो ये बन गया आपका क्या, पहली केस बन गया पी प्लस, इधर बन गया ये आपका एक्स डी पी ओवर डी एक्स प्लस ये बन गया एफ डैश पी डी पी ओवर डी एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से, अब देखिए इसको मैंने क्या कहा ऊपर, जो आपका डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स है, उसको हम पी कंसीडर करते हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो कि हायर डिग्री की होती है। तो इसको मैं पी कंसीडर कर लूँगा फिर से, तो पी इज इक्वल टू पी प्लस एक्स डी पी ओवर डी एक्स, ये डी पी ओवर डी एक्स है, प्लस
एफ डैश पी डी पी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो अब ये पी है, ये भी पी है, तो पी और पी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा इधर आके, अगर ये माइनस का आएगा तो। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स डी पी ओवर डी एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी ओवर डी एक्स, ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या है, मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऊपर करता हूँ, ठीक है, सॉल्व। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं डी पी ओवर डी एक्स, और डी पी ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू डी पी ओवर डी एक्स एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं डी पी ओवर डी एक्स को ज़ीरो लेता हूँ, ठीक है, डी पी ओवर डी एक्स को अगर मैं ज़ीरो लेता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ से पता लग रहा है मेरे को कि पी जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। पी क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। अगर डी पी ओवर डी एक्स आ रहा है ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, पी कॉन्स्टेंट रहा होगा, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो है, तो क्या है, पी कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो पी कॉन्स्टेंट है तो पी को कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, मान लीजिए पी को मैंने ए अज्यूम कर लिया, कोई ए क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट है, कोई भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। तो अब जो सोल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद मुझे पता लग रहा है पी की वैल्यू जो है वो ए के बराबर है। तो कभी भी आपको कोई क्या है, अगर क्लोराइड इक्वेशन की फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, तो उसमें आप उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बस इतना होता है कि आपको P इक्वल्स टू ए रखना है, इतना सॉल्व करिए, हैं, और उसमें बता दीजिए कि क्लोराइड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो P इक्वल्स टू ए होता है, और आपको यहाँ पर P की जगह पर क्या रख देना है, ए पुट कर देना है, वही आपका क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ, ए जो होगा वो क्या होगा, आपका सोल्यूशन होगा। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो पहले तो आप समझ लीजिए, जो क्लोराइड इक्वेशन होती है उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, ठीक है, फंक्शन ऑफ पी। और उसको जो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को जब, तो हमें पी इज इक्वल टू ए मिलता है, पी इज इक्वल टू ए, ए इज वेयर ए इज एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा, आप यहाँ पर आप जहाँ भी आपका पी आ रहा था वहाँ पर आप ए रख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्लेरोट की डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। देखिए आपको दिया है P इज इक्वल टू log पी एक्स प्लस माइनस पी पी एक्स पी एक्स माइनस वाई सॉरी पी एक्स माइनस वाई पी एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अब आपको देखना है इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अब इसको आपको देखना है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल है कि ये log में है तो इधर आएगा, तो ये e की पावर p हो जाएगा, जो कि पी एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। और आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी पी एक्स माइनस ई की पावर p। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, आपकी एनालॉगस है किसके, आपकी जो क्लोराइड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो कि y इज इक्वल टू क्लोराइड इक्वेशन होती है आपकी, तो उसके क्या है, बिल्कुल एनालॉगस है। तो आप देखिए y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, जो भी यहाँ पे चीज़ आती है वो एक फंक्शन ऑफ p होगी, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, वो साइन p भी हो सकता है, वहाँ पर आपका क्या हो सकता है, e की पावर p भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, p स्क्वायर भी हो सकता है, बस क्या होनी चाहिए, वो फंक्शन ऑफ p होना चाहिए वो जो चीज़ आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का e की पावर p, तो ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बिल्कुल जैसी है, तो ये क्लोराइड इक्वेशन है। तो इसके लिए हम जानते हैं फॉर क्लोराइड इक्वेशन जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इसका इस इक्वेशन का, उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू क्या, p की जगह पर a रख देना, ए एक्स माइनस ई की पावर a, तो ये जो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये मतलब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा ये वीडियो, और
ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।